लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब। देवराज की कुटी में पर्याप्त प्रकाश है, संभवतः आपके नेत्रों की ज्योति मध्यम हो गई है। देवराज, मैं ही दधीची हूँ। मरने के भय से अश्व का सर लगा लिया है? देवराज, मैंने एक ही बार जन्म लिया है और एक ही बार मरूंगा, किंतु आप तो नित्य मरते रहते हैं। प्रत्येक क्षण इंद्रासन छिन जाने का भय, स्वर्ग का वैभव छिन जाने की चिंता लगी रहती है। मैंने तो अश्वनी कुमारों से उनके आयुर्वेदिक ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए अश्व सिर लगवाया है। कहाँ है वो दोनों दोष अश्वनी कुमार? उन्हें मारने की भूल मत करना इंद्रदेव। यदि दैत्यों से युद्ध करते समय अंग भंग हो गया तो तुम्हारा उपचार कौन करेगा? चुप रहे मानव ऋषि, आज मैं तेरा ही वध करने आया हूँ। दृष्ट इंद्र, मैं अपने तपोबल से तेरे स्वर्ग को खंड खंड करके समुद्र में डुबा सकता हूँ, किंतु इस तुच्छ शरीर के मोह में जीवन भर की तपस्या को कलंकित नहीं करूंगा। तू मुझे क्या मारेगा कायर? तो ले हमारी कायरता का परिचय। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? अल्प मात्र भी नहीं अश्वनी कुमार। धन्य है तुम्हारा यह आयुर्वेदिक कौशल। यह तुम्हारा कौशल युग युगांतर तक प्राणियों की रक्षा करे। गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान। पराशक्ति का ध्यान करो, उनका आवाहन करो, आंखें मूंद कर मेरे साथ महामंत्र का जाप करो। ओम ओम भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सारा ब्रह्मांड उसी पराशक्ति में समाया हुआ है। ये त्रिशक्तियां उसी का रूप है जो सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रही हैं। अनेकों सूर्यगण, अरबों तारागण, पृथ्वी, चंद्र उसी के तेज से प्रकाशित है। अंडज, पिंडज, जलज में वही प्राण रूप में विद्यमान है। वत्स, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ महर्षि। माता गायत्री सर्वव्यापी हैं। धरती, आकाश, सौरमंडल उन्हीं का महाविस्तार है।
वत्स, उस पराशक्ति का ध्यान करो, मेरे साथ महामंत्र का जाप करो। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवराज इंद्र को भयंकर अहंकार उत्पन्न होता है। भगवती गायत्री अहंकार नाशिनी है। देवराज इंद्र को जब ये ज्ञात होता है कि देवताओं के पुरोहित त्रिशरा चुपके चुपके यज्ञ का भाग दानवों को देते हैं, तो उन्हें क्रोध आ जाता है। त्रिशरा, मेरे बार बार मना करने पर भी तुमने यज्ञ का भाग चोरी चोरी दैत्यों को दिया है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। असंभव। इंद्र तो क्या, सारे देवता मिलकर भी त्रिशरा का वध नहीं कर सकते। कपटी इंद्र ने त्रिशरा को छल से मार दिया। दुर्देन्द्र, तूने मेरे यज्ञ पुत्र त्रिशरा को देवताओं का पुरोहित बनाया और उसी पुरोहित की तूने हत्या कर दी। मैं अपने पुत्र त्रिशरा की हत्या का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। देवराज, स्वर्ग का वातावरण बोझिल हो रहा है, आलस्य का प्रभाव है, सब कुछ बिखरा बिखरा सा है। एक से बढ़कर एक अपशगुन हो रहे हैं। होने दो, अपशगुनों का भय भूलोक के लोगों को होता है। नारायण नारायण। प्रणाम, प्रणाम देवजी। आयुष्मान भाव। देवराज, ये क्या दशा हो गई है देवलोक की? हाँ, ये सब दुर्वासा ऋषि के शाप का परिणाम है देवराज। हमसे भयंकर भूल हो गई देवर्षि। नारायण नारायण। आपने एक नहीं अनेकों भूल की है देवराज। त्वष्टा ऋषि को मित्र बनाकर आप स्वर्ग लोक में ले आए, उसे स्वर्ग के लिए सुरक्षा कवच बनाने को कहा, उसने असमर्थता प्रकट करी तो आपने अपमानित करके उसे स्वर्गलोक से निकाल दिया। वो भी हमारी भूल थी देवर्षि। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए त्वष्टा ऋषि ने अपने यज्ञ पुत्र तीन मुख वाले त्रिशरा को उत्पन्न किया और आपने उसे भी। नारायण नारायण। इन विपत्तियों से हमारी रक्षा कैसे होगी देवर्षि? नारायण नारायण, वो तो देवेंद्र ही बता सकते हैं। देवर्षि, विपत्ति काल में सदैव ही आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। नारायण नारायण। ब्रह्मलोक का मार्ग आपने देखा है, ब्रह्मदेव के दर्शन कीजिए, वो ही कोई उपाय बता सकते हैं। नारायण 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 नारायण। हम अवश्य ब्रह्मलोक जाएंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रकटौ भव, प्रकटौ भव, प्रकटौ भव।
मैं कौन हूं? तुम मेरे यज्ञ पुत्र हो। मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम वृत्रासुर है। आप मेरे यज्ञ पिता हैं? आपकी अपेक्षाएं क्या है मुझसे? वही जो एक पिता को अपने पुत्र से होती है। मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। पहले मेरी पीड़ाओं को तो समझो पुत्र। ठीक है, बोलिए। इंद्रदेव मुझे यहां से स्वर्ग ले गए, जहां पर मैं प्रजापति के आसन पर आसीन था। इंद्रदेव ने मुझसे स्वर्ग के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाने के लिए कहा था। मेरे असमर्थता जताने पर उन्होंने मेरा अपमान करके मुझे स्वर्ग से निकाल दिया। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने मां गायत्री के तांत्रिक मंत्र द्वारा विश्वरूप दशरा को यज्ञ कुंड से प्रकट किया, जैसे तुम्हें किया है। विश्वरूप त्रिशिरा? पर उसका नाम त्रिशिरा क्यों? क्योंकि उसके तीन सिर थे। एक सिर से वो वेद पाठ करता था, दूसरे से सोमरस पीता था, और तीसरे से वो अपने चारों ओर देखता था। मैंने उसे देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए प्रकट किया था, परंतु ब्रह्मदेव की मध्यस्थता के कारण उसे देवताओं का पुरोहित बना दिया गया। फलस्वरूप देवताओं की दैत्यों पर विजय हुई। त्रिशिरा ने देवताओं का प्रतिशोध नहीं किया, उनका हितैषी बन गया। कपटी इंद्र ने एक दिन उसकी हत्या कर दी। उसने अपने पुरोहित की हत्या कर दी? कितना दुष्ट है ये इंद्र। त्रिशिरा का अपराध क्या था? यही कि वो देवताओं के यज्ञ में कभी कभी दैत्यों के नाम की आहुतियां दे दिया करता था। पूज्यवर, ये तो कोई अपराध ना हुआ? अब आप चिंता ना करें, मुझ में इतनी सामर्थ है, इतना बल है कि मैं पहाड़ों को भी पीसकर राख बना दूं, पल भर में समुद्रों को जल विहीन कर दूं, सूर्य और चंद्रमा को निगल जाऊं, देवताओं इंद्र और यमराज को मैं चुटकी में मसल दूं। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि तुम मेरा और मेरे मृत पुत्र त्रिशरा का प्रतिशोध इंद्र से अवश्य लोगे। मैं अपने तपोबल से तुम में असीम शक्ति भर दूंगा, अपराजेय हो जाओगे तुम। वृत्रासुर अजेय है। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कल्याण मस्तु। आपका स्वागत है। आपके आने का प्रयोजन? दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहां सुसम्मति देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपके अजेय यज्ञ पुत्र वृत्रासुर के नेतृत्व में दैत्य तथा दानव भी देवताओं पर आक्रमण करेंगे। उत्तम विचार है पुत्र वित्रासुर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद ग्रहण करो। प्रणाम दैत्य गुरु। यशस्वी भव। त्वष्टा मुनि, आपके यज्ञ पुत्र त्रिशिरा की हत्या तथा आपके अपमान का प्रतिशोध लेने का यही उचित अवसर है। मुझे आपके मार्गदर्शन में पूरी आस्था है। इंद्र का पतन अवश्य होगा। उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसके संरक्षक विष्णु भी उसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। देवताओं, ब्रह्मदेव के प्रयत्न से हम पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हैं। अपने पुरोहित त्रिशिरा के वध का दुख हमें भी है। यदि उसे हमारे यज्ञ की आहुतियां दैत्यों को ना दी होती
तो हम उसका वध नहीं करते। तो फिर ये पश्चाताप मत कीजिए देवराज। वो हम देवताओं का पुरोहित था, हमारे यज्ञ की आहुतियां चुपके चुपके देवताओं को भी देता रहा है। उसकी मृत्यु का समाचार पाकर त्वष्टा मुनि बहुत क्रोधित होंगे, वे प्रतिघात करने से भी कभी नहीं चुकेंगे। हमें उसकी चिंता नहीं। स्वर्गाधिपति इंद्रदेव की जय हो। कहो क्या समाचार लाए हो। त्रिशरा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए त्वष्टा ऋषि ने एक भयंकर यज्ञ पुत्र को उत्पन्न किया। उसका नाम है वत्रासुर, वो अजय है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वत्रासुर के नेतृत्व में एक विशाल सेना लेकर देवलोक पर आक्रमण करने की ठानी है। कौन है उद्दंड? हम अपना परिचय स्वयं देते हैं देवराज। कौन हो तुम? मैं तो ऋषि के महापराक्रमी यज्ञ पुत्र वत्रासुर का दूत हूँ। युद्ध एक भी नहीं किया, महापराक्रमी बन गया। क्या चाहता है तुम्हारा वृत्रासुर? वो निर्दोष देव सैनिकों की हत्या नहीं करना चाहता। आप देवताओं के साथ स्वर्ग छोड़कर चले जाइए। स्वर्ग छोड़कर कोई नहीं जाएगा। हमारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी है, इस बार विष्णु भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। अपने गुरु शुक्राचार्य से कह देना, एक नहीं अनेकों बार दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया है। परिणाम क्या हुआ है वो स्वयं जानते हैं। आप लोग स्वर्ग छोड़कर जाएंगे? कदापि नहीं। हम दैत्यों के सर से खेलेंगे। अपने स्वामी वृत्रासुर और शुक्राचार्य से कह देना, जाओ। अग्निदेव, पवनदेव, वरुणदेव, दैत्यों पर ऐसा आक्रमण करो कि वो स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस ना कर सकें।